हुई। और अब तू मुझे समझा औरत के मायने। बोल। दुनिया की हर बुराई की जड़ औरत। जिन्नत और कभी से भी शैतान औरत। और के सर पे जितने बाल उससे मोटी उसकी खाल। आगे जारा। भूल गई। दुनिया की सबसे पाकीज़ा शाय औरत, फरिश्तों से भी ज्यादा अल्लाह के नजदीक औरत, औरत के सर पर जितने बाल उससे ज्यादा उसके सवाब। सवाब पाना है तो इज्जत करो औरत की, उसकी दुआ रास्ता दिखाए जन्नत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हैं हम, सब जानते हैं, सब कुछ दिखाई देता है हमें, लेकिन हम दोनों आलिम हैं और हम कबीर मियां से 20-25 साल सीनियर हैं, इसलिए हमारे साथ बैठेंगे भी और हमारी बात मानेंगे भी। बोलिए कबीर मियां, एक आलिम दूसरे आलिम की बात मानेगा या नहीं? हजरत तो बड़े कमाल के शख्स हैं। जिस तरह करिश्मा दिखा के खजूर का तबरुक बांध रहे थे, वैसे ही कबीर के दिल में हमारी मोहब्बत का गुल भी खिला दिया। सच्ची? आपकी आंखों में बहुत आग भरी है, संभल लीजिए, हमें सब दिखाई देता है। इससे आग नहीं बुझेगी हसरत। सिर्फ आंखों में नहीं, एक आग हमारे अंदर भी है। वो आग सिर्फ गुनेगार। तो क्या लगता है रुखसार के शौहर, क्या होगा 2 महीने बाद? सामान 100 बरस का और अगले पल की खबर नहीं। वज़र सिर्फ हमारे रब्बुल आलमीन को पता होता है कि अगले पल में क्या होने वाला है। हम कौन होते हैं? लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हम अल्लाह पाक के नजदीक हैं। हम जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। अगर हम हजरत की बात मान भी लें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुआ में वो तासीर है जो आने वाले कल को क्या, हर तूफान को टाल सकती है, और खास करके एक औरत की दुआ में। तारीख गवाह है कि अल्लाह का रहम और उनका करम औरतों के खास है। बिस्मिल्लाह कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। हम अंदर आ रहे हैं। जारा, बच्चों, बच्चों, हम बच्चों को लेकर कहीं दूर जा रहे हैं। हमारी फिक्र मत करना, जब हम पहुंच जाएंगे तो तुम्हें फोन करके बिना बताए चले जाने की वजह भी बोल। कानपुर से पहले उसे रोकना होगा।
आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ अभी। गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। भैया कितना टाइम लगेगा? बस मैडम हो गया। जाने तो हम यहाँ नहीं रुक सकते कभी। सारा सच कह रही हो तुम? हम अपने मरे हुए माँ बाप कसम खा के कहते हैं कि ये सच है। साया जहां पड़ जाता है ना, वो जगह जहन्नम बन जाती है। और अब उसके पैर लखनऊ में पड़ चुके हैं, तो कबीर कोई खौफनाक तूफान आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। जारा, जलानी ने जो जुल्म तुम्हारे साथ किया ना, उसकी वजह से तुम्हारा ये डर वाजिब है कबीर। लेकिन हम है तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, उस जलाले से इतना दूर चले जाएंगे ताकि वो हम तक पहुंच भी ना पाए। अपने आप को हमारे बच्चों को कैसे दूर किया तुमने जारा? जलाली का डर इतना बड़ा है, हमारे एक साल के रिश्ते से बढ़कर है वो। वाह जिंदगी वाह, जब एक तूफान के चलते हम कबीर से दूर भागे तो आज कबीर ने ये मान लिया कि हमारे बीच एक रिश्ता है। यकीन? तुम्हारे यकीन से भी बढ़कर है जलाली का डर? नहीं कबीर, हम डरपोक नहीं है कबीर, हम अंधेरों में भागे हैं, हमने अपनी आंखों के सामने हमारे माँ बाप को मरते हुए देखा कबीर। हमने हर मुश्किल का सामना किया निडर होके, जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे पास कोने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन कबीर, इस एक साल में तुम्हारे अपनेपन ने, तुम्हारी इंसानियत ने, तुम्हारी इंसाफ पसंदी ने, तुम्हारी दी हुई इज्जत, उसने हमें कमजोर कर दिया है कबीर। अब हम उस तूफान से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। हम ये अच्छे से जानते हैं कबीर कि बचपन से वो जो डर है हमारे अंदर जलाले के लिए, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन हम इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हैं कि हम अब अकेले नहीं हैं। हमारा एक निगेबान है हमारे साथ, जो जलाले और हमारे बीच हमेशा खड़ा रहेगा। शुक्रिया कबीर। भाई, ये क्यों हमसे मुआफी मांगेंगे? हम मिलेंगे ना ये जन्नत दिखाने वाली खातून से। आप तो आलिम हैं,
आपको इस बात की खबर है कि हम सिर्फ इनकी नहीं दुनिया की सारी औरतों के बारे में बात कर रहे थे। औरत वो है जो इंसान को पैदा करती है। औरत के पैरों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई। आप नारे देते हैं, हम अमल करते हैं। हजरत हमें चलना होगा, आइए। एक पूरा दिन बिताएंगे आप तीनों के साथ। आप तीनों जो चाहेंगे वो मिलेगा। खालिकुल कायनात, जो तुझसे लौ लगाता है वो रहम दिल बन जाता है। तो फिर जलाली इतना बड़ा आलिम होने के बाद एक जालिम कैसे बन गया? जो कुरान और हदीस की बात को मानता है वो इंसानों के खून का प्यासा कैसे बन गया? जलाली तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकता, ये तुमने भी देख लिया। यादव जी और उनकी पूरी टीम तुम पर नजर रखने वाली, और बच्चों पर भी। काजी साहब तुम क्या दो गार्डों में रखे, 24 घंटे उनकी हिफाजत में। जरा ये जो डर है जलाली का, निकालो इसे बाहर और दूर फेंक दो। पर जो वादा तुमने हमसे किया उसमें लग जाओ। शहबाज इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमें हिम्मत दे कि इन्हें इसी तरह सुकून की नींदें मिलती रहे। शायद इसलिए तुम हमारा इम्तिहान ले रही हो। इम्तिहान? दरवाजा खुला रखा हुआ था, मतलब चेक करियो कि हम अपना काम कर पाएंगे या नहीं। अरे नहीं, हमें माफ करना, वो हम पानी लेने के लिए निकले थे तो जैसे ही हमने दरवाजा खोला हमारी नन्ही सी जो फिरदौस है उसकी नींद खुल गई, तो फिर उसने जिद की कि हमें कहानी सुना, तो हम उसे कहानी सुनाने लग गए, तो फिर हमें नींद आने लगी तो हम आके सो गए। इस चक्कर में हमने दरवाजा बंद नहीं किया। कोई बात नहीं, वैसे ये चांद की रोशनी तुम्हारी आंखों में आ रही थी, सो कैसे रही हो तुम? परेशान नहीं हो? एक सेकंड, हम कुछ करते हैं। पर्दा मत लगाना, अंधेरा ही अंधेरा है, किसका सहारा लेती हो तुम? किसी का भी नहीं, अंधेरे चुपते रहते हैं और अकेलापन काटने को दौड़ता था। तो ठीक है, आज से नहीं काटेगा। कबीर अहमद,
खिड़की के पार खड़ा रहेगा और तुम हमसे गप्पे लड़ाई करना। लेकिन एक बात बताओ, तुम खिड़की के बाहर खड़े तो हो जाओगे, लेकिन बंद खिड़की के पार से हमें सुनोगे कैसे? उस बार हमने सोच रहे थे, हमें लगा कि हमें भी वही लगा कि तुम वही सोच रहे होगे कि जलाली के बारे में। जरा हमारे जहन में ना आलिम और जालिम की बहस को लेकर ना शोर मचा हुआ है। एक आलिम जालिम कैसे हो सकता है और एक जालिम आलिम कैसे हो सकता है? कबीर, सबसे पहले हमें यही राज जानना होगा। कैसे? देखो, जलाली से तुम उन्हीं मुद्दों पे बात करो जो एक आलिम से करता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितने माने में है। तरह में अजीज तो आपसे गले मिलना चाह रहे थे पर आप तो हाथ मिला के ही रह गए। बैठिए, क्या लेने आए? लेने कुछ नहीं, देने आए। इज्जत? इज्जत तो अल्लाह ने हमें बहुत दी है, उनके फजल से पूरा हिंदुस्तान हमें सर झुक के सलाम करता है। शहर काजी बनने की ख्वाहिश शायद आपकी इस इज्जत को जलाना दे कि हम उसी को शहर काजी बनाने वाले, और सिर्फ हम ही नहीं, इस शहर के पिछले शहर काजी इरफान सिद्दीकी, उनको भी यही लगता है कि शहर काजी का ओहदा इमरान को मिलना चाहिए। ये इलेक्शंस क्यों कर रहे हैं हम? इस शहर के नौजवानों में हमारी बहुत ज्यादा इज्जत है, हम जो कहते हैं लोग मान लेते हैं माशाल्लाह, और अगर इसके साथ साथ इरफान साहब ने इमरान का नाम पेश किया शहर काजी के लिए तो आप ही सोचिए क्या होगा, हार जाएंगे आप। इसमें इसकी क्या चाल हो सकती है? ये इतनी जल्दी इमरान को शहर काजी बनाने के लिए कैसे राजी हो गया? लेकिन हमारी एक शर्त है, उस जलसे में हमारी ओर से शहबाज भाई होंगे और इमरान की तरफ से आप। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। आइए बेटा, तशरीफ लाइए। हमें एक दुआ का इल्म है जिसे पढ़ने के बाद ना तो हमें कोई आग जला सकती है और ना ही ये खौलता हुआ पानी हमें झुलसा सकता है। क्या तुम्हें कोई ऐसी दुआ आती है? बेखौफ होकर इस पानी में अपना पैर डालिए, इंशाल्लाह आपको एक भी छाला नहीं आएगा। घबराइए मत आलिम साहब। किम सुरे रहमान, यानी कि खुदा की बनाई हुई चीजों की तारीफ, इसके बारे में आपको याद नहीं और आपने तो दोनों सुरे मिलाकर रख दिए। एक सेकेंड, इमरान से बात करना चाहते हैं। इधर इधर उधर डरो मत, तुम्हें ये दुआ पता है, अच्छे से पता है। एक काम करो, जलाली को मत देखो क्योंकि तुम घबरा रहे हो, उनको देख के हमें देखो। हमें नहीं बनना चाहिए।
इस काबिल। अब कुर्सी की इस दौड़ को खत्म की जाए और हजरत जलाली साहब को रुक जाइए। इतनी भी क्या जल्दी है शहबाज अहमद? कल तक शहर काजी का कोई दावेदार अगर सामने आ जाता है तो इलेक्शन होंगे, वरना बेशक जलाली को शहर काजी बना सकते हैं। इमरान, हमें कुछ समझ में नहीं आया। यासीन पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अचानक हम रुक गए, बिल्कुल ब्लैंक हो गए। ऐसा लग रहा था कि हमारे कान में बार बार कुछ चीख के बोल रहा है कि जलाली को शहर काजी बना दो, रास्ते से हट जाओ। ये सब आवाजें हमारे कान में बार बार गूंज रही थी, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हम सब झूठ है बेटा, सब फरेब है। वो आज तक मदरसे नहीं गया तो आलिम कैसे बन जाएगा? उसने आज तक पढ़ाई नहीं की, मुताला नहीं किया तो आलिम कैसे बनेगा बताओ? उसने तो इम्तिहान में अपनी जगह हमें बिठा दिया और हमारी काबिलियत के दम पर वो आलिम की डिग्री हासिल कर गया। तो फिर आप जलाली का सच पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते? बच्चे नहीं बता सकते, उसने हमारी बीवी और बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। वो हमें और हमारी बीवी बच्चों को मार डालेगा, हम क्या करें बताओ? ताकत है जो उसके इशारों पे काम करती है। हाँ जारा, हमें यकीन हो गया, लेकिन हम एक चीज जानते थे कि हमारा खुदा हमारे साथ, एक खुदा सब कुछ करने के वान है। और कुछ आयतों में इतनी ताकत होती है ना जारा कि बुरी ताकत उसके आसपास भी नहीं आ सकती। कोई होगा। ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं कि एक सेकेंड, तुम बस इतना काम करो कि ये है बस इसे बांध दो। ये कर सकते हैं हम। चलेगा ना? लेकिन कबीर, तुमने उस जलाली से बचने के लिए सबको ये तावीज तो पहना दिया है, लेकिन कौम का क्या? अगर जलाली की जगह तुम शहर काजी बन जाओ तो तुम जानते हो कि पूरी कौम तुम्हें इस तावीज की तरह अपने सीने से लगा कर रखेगी। और फिर जलाली और शहबाज जैसे लोग कौम को बुरा करना तो दूर, ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकेंगे कबीर। इस कौम को गलत हाथों में मत पड़ने दो कबीर। तुम्हारे पास अभी भी एक दिन है सोचने के लिए। मतलब हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम अगर चाहो ना तो इस कौम को जलाली और शहबाज से बचा सकते हो। उस इरफान सिद्दीकी की बात रखी, उस इमरान को मौका देने की बात कही, कुछ देर के लिए तो हमारे नीचे से जमीन खिसक गई थी। लेकिन जब हमें तुम्हारे मंसूबों का पता चला, माशाल्लाह जलाली साहब, हम तो कायल हो गए आपके। जलाली, अब मजाक में भी शहर काजी की गद्दी पर किसी और का नाम सोचना भी मत। हम तुम्हें उस गद्दी पर इसीलिए बिठाना चाहते हैं ताकि हम मिलजुल कर अरबों की प्रॉपर्टी हथिया सके। जाओ, आगे आगे होता है क्या? जलाली, कौन है यहां पर? हमारे अलावा और कौन है यहाँ पर? जाके पता करो। दूसरा शख्स था कौन?
जलाली को हार बर्दाश्त नहीं है, जानता है ना तू? इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। जलाली का सामना बचपन से किया और आगे भी करते रहेंगे। जरा पागल मत बनो, तावीज लो। फैसला हो चुका है कबीर, हम ये तावीज तभी पहनेंगे जब तुम अपने जिद के पिंजरे से बाहर निकल के कौम की खिदमत में आओगे और शहर काजी बनोगे। मदद की गुहार लगा के हम किसी ना किसी से इस्तीफा लेकर आएंगे। इंशाल्लाह कबीर मियां, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी मेंबर से इस्तीफा लेने से पहले शहबाज अहमद को यह बात कानोकान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप शहर काजी का दावा पेश कर रहे हैं। और हां, किसी भी मेंबर से इस्तीफे की गुजारिश करने के बाद ही आप शरिया बोर्ड में एप्लीकेशन दीजिएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कबीर मियां कि आपके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है एप्लीकेशन देने के लिए। बोलिए खाला जान, जब हम जानते हैं कि हमारे अपनों का साया हमारे सर पर है, फिर हम धूप से क्यों डरे? खाला जान, हम जानते थे कि हम जैसे ही उस जलाली का सामना करेंगे, कबीर हमें बचाने आ जाएगा, और कबीर के सिवा उस जलाद का सामना कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमें अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी उसका सामना करने के लिए। और अब देखिए, हम कामयाब भी हुए खाला जान, इसलिए अब हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी खाला जान की दुआएं हमेशा हमारे साथ हैं। हालांकि वो हमने होने नहीं दिया, पर हम चाहते हैं कि आप बाकी बोर्ड मेंबर्स को इत्तला कर दीजिए कि वो कबीर की मीठी मीठी बातों में आकर इस्तीफा ना दे। बाकियों को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन घर में जो जिगरी यार बैठा है उसका क्या? इमरान, इमरान, क्या इमरान के हौसले बुलंद हैं? कहीं दोस्ती के जज्बात में आकर उसके इरादे कमजोर ना हो जाएं? नहीं, इसे दुनिया के लोगों का फैसला अल्लाह करते हैं ना, ऐसी इमरान क्या फैसला करेगा उसका फैसला हम करते हैं। और हमारे गांव वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो क्या उसके बदले में हम शरिया बोर्ड से इस्तीफा भी नहीं दे सकते? कमरन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं कबीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी क्या बात हो गई भाई? ठीक है, मैं आ रहा हूं। कबीर भाई, फिलहाल मुझे इजाजत दें। कामरान भाई, हम एप्लीकेशन दे सकते हैं ना शहर काजी का शरिया बोर्ड में? जी बिल्कुल, बेझिझक आप शरिया बोर्ड में दरख्वास्त दे दीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये याद रखना, शरिया बोर्ड की मेंबरशिप खत्म होती हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा।
इमरान, अगर तुम इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। तुम्हें आज के आज दिल्ली निकलना होगा। अजरा, हम समझ नहीं पा रहे तुम क्या कहना चाहती हो। तुम कभी कह रहे हो रिश्ता खत्म करना चाहती हो, कभी कह रहे हो दिल्ली जाओ। हम दिल्ली क्यों जाए? सारी बातें हम तुम्हें बाद में बता देंगे, पर फिलहाल के लिए तुम्हारा दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। के लिए जनाब जलाली साहब का नाम सामने आया है, लेकिन कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं, जैसे कि हमारा बेटा कबीर और वो शहर काजी के ओहदे के लिए जनाब के खिलाफ दावेदारी करना चाहता है, और उसके लिए वो आप में से किसी को इस्तीफा देने के लिए कहेगा। वो बोर्ड का मेंबर नहीं है ना, इसलिए अगर आप लोगों ने उसकी बात मान ली तो अंजाम बहुत बुरा होगा, गजब हो जाएगा। ये वो चक्कर है जिसकी चपेट में जो इंसान एक बार आ गया उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब आप में से जिस किसी भी शख्स ने कबीर मियां के लिए इस्तीफा दिया, माफ करना, किसने कहा मैं कुछ सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से। आई मीन प्यार में हार हो तो जनाब, अगर प्यार हो गया ना तो आप हार ही नहीं सकते। होती है सर, जब प्यार करने वाली ही छोड़कर चली जाए तब हार ही होती है। मानते हैं कि अगर उन्हें इमरजेंसी के लिए कहीं जाना पड़ भी गया कुछ दिनों के लिए, हमें बता के तो जा सकते थे ना कबीर। कबीर, इन तीन दिनों में हमें हर हाल में उनका शरिया बोर्ड का रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, नहीं तो तुम अपनी शरिया बोर्ड में जगह कैसे बना पाओगे? कबीर, अब क्या करें? लेटर अब हम किससे लाएंगे?